गाइस गुड इवनिंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस अभी का सीन ऐसा है कि अभी टाइम हो रहा है 11:28, जैसा कि आप देख सकते हो। और गाइस अभी बहना भाई सब लोग अपने अपने कमरे में सोने के लिए जा चुके हैं और मैं यहाँ पे अभी बैठा हूँ गाइस। तो है ना, अभी पहले मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, फिर जाके गाइस मेरे को फिर से पढ़ाई करनी है क्योंकि मेरे टेस्ट चल रहे हैं। तो आपका फिर से स्वागत है हमारे वीकली ब्लॉग में। कल आ चुका है संडे, कल मेरे को वीडियो अपलोड करनी है, तो चलो ब्लॉग बनाना स्टार्ट करते हैं। इस चीज़ जिसको नहीं पता ना उनको बताना चाहता हूँ कि गाइस है ना, मैं अभी डेली ब्लॉग्स नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि मेरे एग्जाम चल रहे हैं। आप देख सकते हो मैं कितनी सारी बुक्स कॉपीज रखी हुई है। और गाइस है ना, इस वजह से गाइस मैंने एक नई सीरीज स्टार्ट करी है जिसका नाम है वीकली ब्लॉग। और गाइस इसका है ना आज फोर्थ पार्ट डालूंगा गाइस मैं। शुरुआत करते हैं आज की मेरी पहली वीडियो से। तो गाइस सीन ऐसा है पहली वीडियो का कि है ना, हम गए थे अपने पापा जी के फ्रेंड के घर पे। और गाइस है ना, वहाँ पे हम डिनर पे गए थे गाइस वैसे ना। तो गाइस वहाँ पे गए जो आंटी है ना गाइस, मतलब मेरे पापा जी के फ्रेंड की वाइफ, वो है ना गाइस दाल बाटी बहुत मतलब उनकी फेमस है मान के चलो अब यहाँ पे। तो है ना बस वहीं पे हम गए थे और आंटी ने यही बनाया था गाइस। तो आप देखो आगे। तो गाइस अभी का सीन ऐसे कि हमारे पापा जी के दोस्त के घर पे, पापा जी के बेस्ट फ्रेंड के घर पे है गाइस हम। तो गाइस यहाँ पे आते ही पवन और आरू के झगड़े स्टार्ट हो चुके हैं। जिसका नाम आरव है, इसको प्यार से आरू बुलाते हैं हम। चायला गाइस जिसको बोला चायला मेरे लिए दो कप। देखते हो छोटू बोल रहा आज, देख ले भाई दो चाय जा, कुछ बोलेगा नहीं क्या? चाय तो लिया, अगर कुछ बोलना नहीं है तो बात तो सही है। तो भाई दो चाय लाने को कहना। तो गाइस यहाँ पे अभी आंटी ने बनाया है आंटी की मोस्ट फेमस डिश दाल और बाटी। पता नहीं कितने साल का तजुर्बा होगा आंटी का, इतनी अच्छी मतलब दाल बाटी बनती है आंटी के हाथों की। ये गाइस ये बंदा दाल और दाल बाटी खाता ही नहीं है। तो यहाँ पे अपनी दाल बाटी आ चुकी है, आप देख सकते हो यहाँ पे सलाद भी है। और ये तो दाल बाटी खाने नहीं वाला, ये गगन खाएगा। अरे पा टेस्टी बहुत ज्यादा। ये वीडियो तो यहीं तक है बस, इसके बाद गाइस हम दाल बाटी खा के फ्री होके है ना घर पे आ गए थे बस। और गाइस है ना अब दूसरी वीडियो की बात करते हैं, जहाँ तक की तो उसका सीन ऐसा है गाइस कि है ना, मैं जा रहा था अपने स्कूल में एडमिट कार्ड देने के लिए क्योंकि एग्जाम देने के लिए बहुत जरूरी होता है गाइस वो कार्ड। तो बस बाकी आप देखो। तो गाइस अभी का सीन ऐसा है कि मैं जा रहा हूँ अपने स्कूल में एडमिट कार्ड देने के लिए क्योंकि उसके बिना गाइस एग्जाम हॉल में बैठ नहीं देंगे वो। तो चलो चलते हैं। तो गाइस फाइनली मैं अपने स्कूल पहुंच चुका हूं, तो चलो आपको यहां से थोड़ी देर फ्री होके मिलता हूं। स्कूल से एडमिट कार्ड वगैरह का पूरा काम करके मैं फ्री हो चुका था। और गाइस उसके बाद अब मैं ना भूख ले रही थी बहुत ज्यादा, तो कुछ गया था खाने के लिए सुबह से, उस समय कुछ नहीं खाया था मैंने। तो अब देखो अभी नेक्स्ट वीडियो में। तो गाइस एडमिट कार्ड के काम से तो मैं फ्री हो चुका हूं और अभी मैं आया हूं गाइस यहां पे पताशे खाने के लिए, गोलगप्पे या फिर पानी पूरी जो भी आप बोलना चाहो। गाइस वीडियो में छोटा सा ब्रेक और मैं आपको बताना चाहता हूं गाइस कि है ना, जब मैं वहां पे पानी बताशे गोल गप्पे फिर जो भी आप बोल सकते हो उससे जो भी आप बोलना चाहो उसके बता नहीं कितने नाम है गाइस। तो गाइस ये सब खा के फ्री हो चुका था। तो गाइस है ना वहाँ पे अचानक से एक लड़की आई मेरे पास और है ना उसने मतलब क्या है बहुत देर से मेरे को देख रही थी वो पानी बताशे खाते हुए। तो है ना सीन ऐसा ही उसने बोला कि उसको भी खाने हैं ऐसा कुछ। तो है ना गाइस क्या है उस समय क्या है मेरे को जैसे भूख लग रही थी ना, मैं समझ सकता था कि अगर उसकी भी ऐसी हालत होगी ना तो मतलब थोड़ी वोमिटिंग की इच्छा होने में टाइम नहीं लगता गाइस। तो है ना मैंने मतलब अब आगे देख ही लो। तो गाइस यहाँ पे गाइस बच्चे की बहुत ज्यादा इच्छा हुई थी पानी बताशे खाने की। और क्या मेरे ना एक अंदर से इच्छा आई कि है ना नहीं यार खिलाते ऐसे भी। तो ऐसे ही गाइस कुछ हुआ था वहाँ पे तो बस ठीक है। तो गाइस अभी हमने यहाँ पे लिए दही पपड़ी, मतलब पानी बताशे दही वाले। तो गाइस अपने दही वाले पताशे आ चुके हैं जो कि बहुत सही दिख रहे हैं सच्ची में। बात करते हैं मैं नेक्स्ट वीडियो की, ये वीडियो तो यहीं तक है गाइस। तो है ना नेक्स्ट वीडियो का सीन ऐसा कि इसमें सुबह से बहुत ज्यादा पढ़ पढ़ के थक गया था और बहुत दिनों से ना गाइस बाइक भी नहीं चलाई थी हमने बुलेट, तो है ना बस वही चलाने गया था मैं। तो अब देखो। तो गाइस सुबह से इतना पड़ पड़ गया तो मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ। तो गाइस अभी मैं बहुत दिनों बाद अपनी बाइक चलाने के लिए, चलो चलते हैं। क्या हुआ ऐसा क्या बुरा काम कर दिया तूने यार, तू मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे है क्या हुआ? अरे बढ़िया लग रही है तू, चिंता मत कर। अरे कोई दिक्कत नहीं है, बाल तेरे बहुत बढ़िया लग रहे सच्ची में। तो गाइस यहाँ पे आज बाइक को ये निकालने वाली है ऐसा इसका कहना है, तो देखते हैं कर पाती है कि नहीं। बेटा तुमसे ना हो पाएगा। तो गाइस सच्ची में इतनी दिनों के बाद अपनी बाइक को राइड करके मजा आ गया बहुत ज्यादा।
अभी थोड़ी बहुत और चलाएंगे फिर घर निकलेंगे गाइस। वहाँ से गाइस पढ़ाई करके कर इतना थक गया था मैं, लिटरली बता रहा हूँ आपको। अभी हम राउंड लेने जा रहे हैं गाइस, हम राउंड लेने जा रहे हैं। तो गाइस ये वीडियो यहीं तक, इसके बाद हम वापस घर पे आ गए, खाना वाना खाया और सोने के लिए चले गए थोड़ी देर पढ़ाई करके। तो गाइस अब बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो की। तो गाइस नेक्स्ट वीडियो का सीन ऐसा है कि गाइस अब वो दिन आ चुका था गाइस जिसका मेरे को बहुत समय से इंतजार था। मेरा फर्स्ट एग्जाम का डेट था गाइस, वो पीरियडिक एग्जाम का। तो अब देखो तो गाइस है ना, अब वो दिन आ चुका है, आज मेरा फर्स्ट टेस्ट है गाइस, मतलब एग्जाम ही है एक टेस्ट पीरियडिक। तो है ना देखते हैं गाइस जैसा रहता है, आपको सीधे स्कूल पहुँच के मिलता हूँ गाइस, और है ना फिर वहाँ से देखते हैं, दोस्तों से भी पूछेंगे कैसा गया उनका एग्जाम। सच्ची में बहुत डर लग रहा है यार, अब जब एग्जाम की घड़ी एकदम पास आ चुके ना गाइस, बहुत डर लगता है इस समय में, पता नहीं क्यों। फिर एक लाइन छोड़ के टॉपिक लिखते हैं ना, हाँ। फिर एक लाइन छोड़ के कंटेंट, ठीक है, और फिर एक लाइन छोड़ के वो देख कौन आ रहा है। तो, तो गाइस सब आ चुके हैं यहाँ पे, हम स्कूल पहुंच चुके हैं, चलो आपको स्कूल से थोड़ी देर में फ्री होके मिलता हूँ। Few moments later. स्माइल हम स्कूल से फ्री हो चुके हैं जैसे कि आप देख सकते हो। तो गाइस हम स्कूल से फ्री हो चुके हैं, दोबारा बोल रहा हूँ मैं। तो गाइस तेरा पेपर कैसा गया? एक नंबर, तीन नंबर। तो गाइस क्या है, अभी तो हमारे जितने भी दोस्त है ना सबसे सब बहुत जल्दी निकल चुके हैं। ठीक है जल्दी निकल। हाँ सब गाइस बहुत जल्दी निकल गए, ये तो आपको सबका रिएक्शन दिखाता गाइस। तो है ना अभी कल हमारा एक और पेपर है गाइस, एक दिन की छुट्टी नहीं थी स्कूल वालों ने, बहुत गलत करा है गाइस, हमारे साथ इंसाफ नहीं हुआ है। तो जैसा भी है देखते गाइस, कल आपको सबके रिएक्शन दिखाऊंगा। तो गाइस है ना हमारे जो नेक्स्ट वीडियो है ये वीडियो यहीं तक है गाइस। तो है ना अब गाइस नेक्स्ट वीडियो का सीन ऐसा है कि है ना पौनो मेरे बीच है ना एकदम अजीब सा है ना डांस कॉम्पिटिशन टाइप हो रहा था, जिसमें हम एक गंदे से गंदा गाना लगा रहे थे गाइस। तो है ना गाइस मैंने पौन के लिए गाना लगाया था एक, तो है ना उसकी वीडियो है मेरे पास, तो वो देखो भाई। ये शुरू से ही है ये वाह भाई, आसपास वाले लोग क्या सोचेंगे यार, ये भी कोई सुनने का सॉन्ग है क्या भाई, ये चैलेंज भारी पड़ जाएगा तेरे। आग लगा दी। अरे भाई मेरे हिसाब से 100% तुम मुंबई आओगे। ये वीडियो तो यहीं तक, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो गाइस नेक्स्ट वीडियो का सीन ऐसा है कि है ना अपने कैसे स्कूल में गया था मैं एग्जाम देने के लिए। तो है ना एग्जाम देने के बाद सबसे रिव्यूज ले रहा था गाइस मैं कि कैसा गया उनका टेस्ट वगैरह पेपर, तो पूछ देखते हैं। हाँ भाई कैसे गया पेपर? अच्छा था तेरा कैसे गया? कैसे गया पेपर ये बता। नॉर्मल ठीक है। 40 में से 15 मार्क्स आ गए। अच्छा मेरे 15 में से 5 मार्क्स आ गए। अच्छा यहाँ पे गाइस पेपर डिस्क्रिप्शन लग रहा है बढ़िया ही है तेरा। बढ़िया सच्ची में कितने आ जाएंगे? एक्सेप्टेड तो फुल है। अच्छा 2 या 4 मार्क्स कर लेंगे। अच्छा तेरा कैसे गया पेपर? बहुत शानदार है। कितने आ जाएंगे? मेरे अबाउट 30 आ जाएंगे। देखते हैं 40 मार्क्स का था। और पीयूष भाई तेरे से तो पूछना ही भूल गया तेरा कैसा गया? एक नंबर। गाइस ये बोलने के लायक नहीं है सगमे में अभी तक। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। गाइस ये वीडियो तो यहीं तक है, और है ना गाइस चलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे। तो गाइस नेक्स्ट वीडियो का सीन ऐसा है कि यहाँ पे पवन के ट्यूशन वाले सर उसको जस्ट पढ़ा के गए थे, तो आप देखो उसकी हालत कैसी हो गई थी पढ़ने के बाद। अभी पवन के सर गए, अब पवन फाइनली जेल से छूट के आ चुका है, कैदी। तो वैसे देखिए आते ही पढ़ चुका है बिल्कुल ही, कहीं से पढ़ के आया थोड़ा खुद पढ़ गया। जो लोग नहीं समझे वो एक बार दोबारा रिपीट करके देखो वीडियो को, समझ जाओगे। गाइस ये तारुशी है और कुछ और अच्छा ये ब्लॉग कर गाइस मेरे ब्लॉग में हाय बोलो, मतलब मेरा नहीं हाय। हेलो गाइस ये मेरा चैनल है, इसका नहीं है, ध्यान रखना। और ये गाइस ये चैनल हमारा होने वाला है। चलना कहाँ है? वैसे ही घूमता है मेरा। अरे 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 बेटा नहीं
और वहाँ पे बहुत सुंदर चांद था, अभी मैंने देखा था पर वो पता नहीं गायब हो गया था। बन गए तो वेदर बन गए। अच्छा हो रहा है। तो गाइस अभी यहाँ पे हम सब मोमोज खा रहे हैं। कंटेंट दे रही हूँ बहन जी आपको। अरे वाह यार, थैंक यू यार, पार्टी मेरी तरफ से। अरे वाह, 20 रुपए मांगूंगी। 20 रुपए वाह, देखो गाइस पार्टी ज्यादा ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन गाइस मनसा की तरफ से। इसका नाम तबलीन है, इसको मनसा बोलते हैं प्यार से। फिर कैसे बोलते हो? वो गाड़ी नहीं दे पाते ना। और वानी कैसे? ठीक है, ठीक है। ऐसे थोड़ा बहुत खा पी के फ्री होने के बाद हम कहीं पे घूमने के लिए निकल गए ऐसे, तो वहाँ की थोड़ी बहुत क्लिप्स आप देखो। अच्छा प्रोजेक्ट कोटा में, और आप देखो कितनी भीड़ हो रही है यहाँ पे, और क्लाउड आज इतने सुंदर लग रहा है, प्लस छोटू सा वाटरफॉल। मतलब वहाँ से वापस आ रहे थे तो सच में बहुत ट्रैफिक देखने को मिला हमें। अब जहाँ तक बात करें नेक्स्ट वीडियो की, ये वीडियो तो यहीं तक है गाइस, तो है ना सीने से नेक्स्ट वीडियो का कि है ना गाइस हम है ना मतलब हम सब चारों जा रहे थे, पापा जी, अम्बा जी, मैं और पवन कहीं बाहर घूमने के लिए वगैरह, तो आप देखो आगे। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं कहीं पे घूमने के लिए। कहाँ पे जा रहे हैं बताना कुछ गाइस। पवन के चलने का स्टाइल तो देखो आप। वैसे अभी हम आए अपने पास वाले गेम्स पार्लर में, बस फाइनली हम अंदर पहुंच चुके हैं यहाँ पे। यहाँ पे मम्मा जी की फोटोज खींची जा रही है गाइस। तो वही जहाँ पे हर बार की तरह पवन सबसे पहले अपनी यही वाली कार से लड़ा है, और दूसरी बार में गाइस हम ये खेलना है हर बार की तरह। तो गाइस मेरा यहाँ पे एक पॉइंट हो चुका है, और देखते हैं कौन जीतता है इस गेम में। ऐसे कंपटीशन वाले गेम खेलने में मजा भी आता है बहुत। अम्मा जी का एक पॉइंट हो चुका है, बहुत ही कड़ी टक्कर दी जा रही है गाइस हमें यहाँ पे। ये और भाई इतना ज्यादा गाइस नकली है, 0-0। तो गाइस अभी हम यहाँ पे टिकट वाला गेम खेल रहे थे, अम्मा जी के 40 टिकट निकली और पवन के 10। बहुत बुरा लगा मुझे गाइस यहाँ पे। देखते हैं पवन का निशाना कितना एक्यूरेट है, इसको बॉल्स को इन सब के मुंह में डालना है। पवन 5 बॉल उठा ले, 5 में 5 अगर 4 भी डाल दें तुम्हें तो मान लो निशाना बहुत तगड़ा है। कितनी उठाई दिखा? 1, 2, 3, 4, 5, 6 नहीं सिर्फ 5 उठा ले। अबे ये क्या है ब्रो? You very chalak bro. बहुत चालाक, चालाक ब्रो, चालाक। ओ भाई, अरे गिर गई, गिर गई। अब देखो दो चांस है, दोनों बॉल डल जानी चाहिए। आउट, अब तो कोई फायदा नहीं है, अब मेरा देखते हैं गाइस। इसको कट कर दूंगा मैं, ठीक है? तो चलो गाइस अब मेरा देखते हैं। देखा गाइस एक बार में जलवा है हमारा, टिकट्स काउंट हो रही है गाइस यहां पे। 79 टिकट्स जीते गाइस हम यहाँ से, राउंड ऑफ 81 लॉक। तो गाइस अभी हम आए यहाँ पे बर्गर किंग पे। तो गाइस यहाँ पे हमने अभी तो सबसे पहले 2 बर्गर मंगवाए हैं, और साथ में ये क्या है बाबा जी? ये चिकन टिक्की बर्गर, बेस्ट टिक्की बर्गर और मैक पफ। कुछ भी, कुछ भी। बर्गर किंग में मैक पफ कैसे मिल सकता है? अब हमने है ना ये टाको मंगवाए गाइस, वेज कंसी टाको बोलते हैं इसे यहाँ पे। यहाँ पे एक नॉन वेज बर्गर है गाइस पवन के लिए, और यहाँ पे एक वेज बर्गर है गाइस। इसके बाद हम यहाँ से सीधा डिनर करने के लिए निकल गए, तो आप देखो आगे। तो गाइस आज है ना हम डिनर यहाँ पे कर रहे हैं स्टॉल से लेके, तो टेस्ट करते हैं गाइस सब कुछ। अब यहाँ पे हमारी प्लेटें आ चुकी है गाइस। और गाइस आज खाने में यहाँ पे रुमाली रोटी, दाल मखनी, और पापा जी की है ना गाइस यहाँ पे गाइस चिकन बिरयानी है, और बाकी चिकन आ रहा है पापा जी पवन का, और मम्मा जी में तो वेज वाले दाल मखनी खा रहे गाइस। तो गाइस सब कुछ हमने वैसे अपनी कार पे रख लिया है पीछे, और यहीं पर खाएंगे।
गाइज है ना, बस आज के लोग मैं यही पेंट करता हूँ वीडियो ब्लॉग जो भी आप बोलना चाहो। आई होप आपको पसंद आए हो गाइज। अभी आप टाइम देख लो, 12:31 हो चुके हैं और अभी इसमें पढ़ाई भी करनी है, तो 1-2 बची देंगे शायद से। तो हाँ, आई होप आपको मेरा आज का ब्लॉग वीडियो जो भी आप बोलना चाहो पसंद आया हो। पसंद आया तो लाइक कर देना, अच्छा नया है सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, गुड नाइट। गाइस अबे कंट्रीब्यूशन में बहुत झगड़ा हो रहा है सबका। ये है ना नक्चड़ी और हां ठीक है। 40 रुपए तेरी थी ना ये तो। वो वैसे नक्चड़ी का मतलब क्या होता है?